कैसी हो रही है तू? और क्या है? अरे मैं तो ठीक हूँ। अरे क्या बताऊँ, मेरा बेटा तो एकदम लकड़ी के जैसा पतला हो रहा है। क्या बताऊँ, कुछ नहीं खाता है। और हमने कितने पंडितों को दिखा दिया, डॉक्टरों को दिखा दिया, लाखों रुपए खर्च हो गए डॉक्टरों पे, घर भर गया पूरा डॉक्टरों से। हाँ यार, और ऊपर से खाता भी नहीं है, एकदम लकड़ी की तरह पतला सा है। हाँ छी छी छी, तूने सही कहा, वो नेहा का लड़का है ना, वो कितना खाता है कितना खाता है कितना खाता है, इतना खाता है कि इतना मोटा है। हाँ यार, अच्छा थोड़ी नहीं लगता ऐसे दिन भर खाना, है ना। हाँ, मेरा बेटा तो एकदम एक लकड़ी के टुकड़े की तरह भी है, बस खाता ही नहीं है कुछ। बढ़ेगी तो फिर वो खाना भी खाएगा, उसके खाने की खाना भी बढ़ेगा उसका, पर अब देखते हैं, चलो पेट भी बढ़ेगा, वो बोल रहे थे, अब देखते हैं। छी, एकदम लकड़ी के जैसा है ये। मम्मी, मेरे स्कूल कल पिकनिक जा रहा है, तो मुझे 200 रुपए चाहिए। अरे बेटा, मैं कहाँ से लाऊं 200 रुपए? हमारे पास पहले ही बस यही एक 5 BHK का घर बचा है, 5 प्लॉट्स और 2 फार्म हाउस, 4 फार्म हाउस, और साथ में हमारे पास 2 पुरानी BMW हैं, और ऐसे ही मेरे पास 2-4 सो हीरे के हार हैं। कहाँ से लाऊं बेटा, हम अमीर लोगों की नहीं कर सकते मुकाबला उनसे, माफ करना, मेरे में कहीं से नहीं ला सकती इतने रुपए, माफ करना। ठीक है मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी पापा। अच्छा, तू तो बहुत अच्छा है, तू सब समझता है। मम्मी मुझे खाना चाहिए। हे भगवान, कैसा राक्षस बेटा दिया है भगवान ने मुझे, बस दिन भर खाना 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 मांगते रहता है। भगवान राक्षस पैदा हुआ है, ये कोई सुल्तान थोड़ी ना है, ये बेटा पैदा कर दिया है भगवान ने, ऐसा बेटा क्यों दिया मुझे, बस दिन भर खाना खाना खाना, पढ़ाई तो करता नहीं है, बस पढ़ाई के बहाने खाना 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 खाना, दिन भर मोबाइल खाना, बस खाना ही है। भगवान, ये राक्षस बेटा मुझे क्यों दिया? जा किचन में भात दाल रखा है, भात दाल खा ले। ये भात दाल नहीं खाना मम्मी। भगवान, तुझे खाने में भी वैरायटी चाहिए, तुझे पढ़ाई ना करने का बहाना चाहिए ना, झूठे नहीं के। धूप लगती है, अंदर बैठता है तो भूख लग जाती है। नहीं बेटा, आंटी पिट्टी पिट्टी करेगी, मत कर। नहीं बच्चा मत कर, इधर आ, अंदर जा, पापा आएंगे ना तो पिट्टी पिट्टी करेंगे, जा अंदर जा, अंदर जा। बड़े मामा बहुत मारेंगे बेटा, टीवी मत देख, तेरी छोटी मम्मी मार देगी तुझे, काट देगी, चल मेरे साथ। आज मैं तुझे बताती हूँ, तुझसे कहा था ना पढ़ाई में बैठना, कैसे क्या फिर तुम्हार? Yeah.
अंदर जाना है नहीं आकर। ओ कितना गंदा कर रखा है इसने अपना कमरा, मेरे को तो वैसे ही बुखार जैसा आ रहा है, कैसे करूंगी मैं सब ये साफ। मम्मी मैं कर देती। ना ना बेटा तू जा जा, मैं खुद कर लूं। ला मम्मी मैं कर देती। जा 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 बेटा ना। मैं आपका बारा काम कर देती हूं। ना बेटा ना तू आराम कर, मैं कर लूंगी। ना मम्मी। ना बेटा ना तू आराम कर। तो मेरा छोटा बेटा है ना, मैं जैसे थोड़ी ना काम कराऊंगी। जा बेटा आराम कर, जा 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 जा। क्या बताऊं, तीन लोगों का परिवार है मेरा। अरे वो तो ऑफिस चले जाते हैं और हम ही दोनों बच जाते हैं। वो अरे का लड़का मेरे किसी काम का नहीं है, बस दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, एक बार भी नहीं पूछता मम्मी काम मेरे को काम दे दो या आपकी मदद करो, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता। सारा काम मैं करती हूँ। जब उसकी शादी होगी ना तो उसकी बीवी जब घर पे आएगी ना तो उसको हमेशा चाय देगा, नाश्ता देगा, सब देगा। चाय बनाई आ जाओ पी लो। अरे दीपा क्या बताऊँ, अब चाय मांग रहा है मेरा बेटा। चल मैं चाय बनाती हूँ और तुझे बाद में बात करती हूँ। बाय। बेटा तूने क्यों बनाई चाय, मैं बना देती। सब बाहर खेलने गए हैं, मुझे भी जाना है। मम्मी प्लीज मुझे भी जाने दो।